Hi guys and welcome back to my channel. तो कैसे हो आज मैं अंडे और ब्रेड से बहुत ही टेस्टी एक नाश्ते की रेसिपी जो कि खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी और बहुत ज्यादा जल्दी बनके तैयार भी हो जाती है तो आज के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है दो ब्रेड और यहाँ पे एक रॉ हम एग ले लेंगे हमें पहले ब्रेड को पानी में हल्का सा डिप कर लेना है एक प्लेट में ले, ले लेंगे हम पानी और ब्रेड को इस तरीके से दोनों तरफ से बस एक बार ही डिप करेंगे बहुत ज्यादा हमें इसे भिगोना नहीं है और इस तरीके से डिप कर लेने के बाद हम इसका एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकाल लेंगे। बिल्कुल इस तरीके से। अब हम एक नया बाउल ले लेंगे एक दूसरे बाउल में हम इसे ट्रांसफर कर लेंगे ले लेंगे ले ब्रेड डालेंगे ले एक अंडा यहाँ पे मैंने दो बड़े साइज के प्याज को पतले पतले चॉप कर लिए बिल्कुल बारीक और खोल लिया है इस तरीके से और डाल देंगे हम अब इसमें डालेंगे हम कुछ मसाले डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला आधा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर आधा चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर और हल्दी पाउडर आधा चम्मच से थोड़ा कम लेंगे लेंगे यहाँ पे आधा चम्मच जीरा पाउडर नमक डालेंगे स्वाद अनुसार डालेंगे यहाँ पे ग्रीन चिली छोटे छोटे चॉप करके तीखा आप यहाँ पे कम ज्यादा कर सकते हैं और डालेंगे यहाँ पे हुआ हरा धनिया और सभी को डाल के हम एक बार मिक्स कर लेंगे गाइज अगर आप मेरे चैनल में नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में मेरी इस रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा अच्छे से हमने मिक्स कर लिया अब इस तरीके से हम उठाएंगे और एक टिक्की के शेप में बनाते जाएंगे बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इसे बाइंड करना है शेप देना बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आप चाहे तो गोल बना सकते हैं शेप यहाँ पे मैं इस तरीके से लंबा शेप बना के तैयार कर रही हूँ कुछ इस तरीके से जो हमारा एक्स्ट्रा प्याज निकलता हुआ दिखेगा हम उसे निकाल लेंगे और देखिए इस तरीके से हम बाकी सभी बना के तैयार कर लेंगे अब हम ले लेंगे पैन पैन में डालेंगे तेल तेल जैसे हमारा गर्म हो जाए हम इसमें एक एक करके नाश्ता डालते जाएंगे गैस का फ्लेम हमारा मीडियम पे रहेगा एक बारी में हमारा जितना आएगा हम उतना ही डाल के फ्राई कर लेंगे एक साइड हम पहले दो मिनट के लिए फ्राई करेंगे फिर हम साइड चेंज कर लेंगे एक साइड हमने दो मिनट के लिए फ्राई कर लिया है अब हम साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी तरफ भी इस तरीके से हम फ्राई कर लेंगे पलट पलट के फ्राई करने से हमारा बहुत ही ज्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बन के तैयार होगा बाहर से क्रिस्पी और अंदर से काफी ज्यादा सॉफ्ट अगर आपको कभी स्नैक्स खाने का मन करे चाय के साथ तो इस तरीके से आप इजी बहुत कम इंग्रेडिएंट्स और बहुत जल्दी इस तरीके से स्नैक्स बना के तैयार कर सकते हैं और चाय के साथ सर्व करके खा सकते हैं दूसरी तरफ भी हम इस तरीके से फ्राई कर लेंगे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाने तक हम इसे फ्राई करना है दोनों तरफ और देखिए दोनों तरफ से पलट पलट के फ्राई करने में हमारा बहुत ही सुंदर कलर आ चुका है कुछ इस तरीके से हमें इसे फ्राई करना था अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसी तरीके से हम बाकी भी बना के तैयार कर लेंगे देखिए बहुत ही सुंदर कलर आया है दोनों तरफ से और देखिए पाँच मिनट से भी कम समय में हमारा बनके तैयार हो गया बहुत ही टेस्टी है अंडे ब्रेड का नाश्ता आज की रेसिपी आप जरूर ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूले आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में मेरी इस रेसिपी को ज्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा तो मिलते एक नई रेसिपी के साथ